नमस्कार दोस्तों, आपका अपना भाई रॉय बोल रहा हूँ। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और पंजाब किंग्स के बीच शाम को 7:30 बजे डीवाई पाटिल स्टेडियम में मैच खेला जाएगा। उससे पहले बात करते हैं आईपीएल के मैच नंबर फर्स्ट के बारे में, जो कि कोलकाता नाइट राइडर और चेन्नई सुपर किंग के बीच खेला गया था। दोस्तों इस मैच में चेन्नई सुपर किंग एक तरफा मैच को हार गई। कोलकाता की बॉलिंग और बैटिंग दोनों ही काफी अच्छी रही। चेन्नई की बात करें तो उनके लिए कुछ भी इस मैच में अच्छा नहीं रहा, लेकिन धोनी अपने पुराने अंदाज में नजर आए, उन्होंने एक अर्धशतकीय पारी जड़ी। वहीं बात करते हैं बॉलिंग डिपार्टमेंट में तो चेन्नई की तरफ से डीजे ब्रावो ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी, 4 ओवर में 3 विकेट निकाल कर दिए। वहीं बात करते हैं केकेआर में तो केकेआर में बैटिंग डिपार्टमेंट बात करें तो अजिंक्य रहाणे ने काफी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूट किया। वहीं बात करते हैं उमेश यादव ने 2 विकेट चटकाए। अब बात करते हैं दोस्तों इस मैच के बारे में, जो कि मैच नंबर थर्ड है। पहले बात करते हैं टीम न्यूज और दोनों ही टीमों की प्रोबेबली प्लेइंग 11 के बारे में। टीम न्यूज की बात करी जाए तो पंजाब किंग की तरफ से जॉनी बेरस्टो भी अवेलेबल नहीं है और रबाडा का फर्स्ट मैच अभी कंफर्म नहीं हो पाया है कि वो खेलेंगे या फिर नहीं। वहीं बात करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बारे में तो मैक्सवेल, जॉस हेजलवुड, जेसन बेंद्रोफ अभी अवेलेबल नहीं है। तो ये तो बात होगी टीम न्यूज की। आइए अब नजर डालते हैं दोनों ही टीमों की प्रोबेबली प्लेइंग 11 पर। पंजाब किंग्स की बात करें तो शिखर धवन और मयंक अग्रवाल ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद लिविंगस्टन, सिमरन सिंह, शाहरुख खान, राज या फिर ऋषि धवन में से कोई एक खेलता हुआ नजर आएगा। ओडन स्मिथ, हरप्रीत ब्रर, अर्शदीप सिंह, रबाडा का अगर कंफर्म हो जाता है कि वो खेलेंगे तो वैसे वो खेलेंगे, नहीं तो उनकी जगह पर बैनी खेलते हुए नजर आएंगे। संदीप और राहुल चहर में से कोई एक खेलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरी टीम, जो कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर है। विराट कोहली के साथ फाफ डुप्लेसी ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। उसके बाद फिन एलन, दिनेश कार्तिक, अनुज रावत, महिपाल लोमर, शहबाज अहमद, हसरंगा, डेविड विली या फिर रदरफोर्ड में से कोई एक खेलेगा, हर्षल पटेल और मोहम्मद सिराज, ये इन टीम की प्रोबेबली प्लेइंग 11 हो सकती है। आइए बात करते हैं दोनों ही टीमों के हेड टू हेड मैचेस के बारे में। दोनों ही टीमों के बीच 28 मैचेस खेले गए हैं। इन 28 मैचेस में पंजाब ने 15 मैच विन किए हैं, तो वहीं आरसीबी ने 13 मैच विन किए हैं। फर्स्ट बैट पे 13 मैच और सेकंड बैट पे 15 मैच विन हुए हैं। लास्ट 5 मैचेस की बात करें तो पंजाब ने लीड ले रखी है 3-2 से। अब बात करते हैं जहां पर ये मैच खेला जाएगा, वहां पर T20 डोमेस्टिक टोटल 7 मैचेस खेले गए हैं। इन 7 मैचेस में से फर्स्ट बैट ने मात्र 1 मैच विन किया है और सेकंड बैट ने 6 मैच विन किए, यानी सेकंड बैट के जीतने के चांसेस यहां पर ज्यादा होते हैं। वहीं बात करते हैं का एवरेज स्कोर 143 है। यहां पे हाईएस्ट स्कोर दिल्ली का है 190 और लोएस्ट 82 पे ऑल आउट हो चुकी है टीम। अब बात करते हैं स्कोरिंग पैटर्न के बारे में। बिलो स्कोर 150 5 टाइम, 150-169 1 टाइम और 170-189 1 टाइम। अब दोस्तों बात करते हैं पिच रिपोर्ट के बारे में। पिच रिपोर्ट की बात करी जाए तो डीवाई पाटिल स्टेडियम हमेशा से बॉलर्स के लिए काफी अच्छा रहा है। बॉलर्स को ज्यादा एडवांटेजेस होता है इस पिच पर। वहीं यहां का जो एवरेज स्कोर है 143 है। यहां पर जो भी टीम चेस करने आएगी 90% चांसेस होगी उसके विनिंग के। यहां पर जो फास्ट बॉलर्स है उनको ज्यादा विकेट मिलती है। आउटफील्ड जो है काफी तेज है, लेकिन जो ग्राउंड की डायमेंशन है वो काफी ज्यादा बड़ी है, तो यहां पर स्कोर यहां पर 140-150 के आसपास देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों ही टीमों के प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के बारे में। पहले बात करते हैं पंजाब के बारे में। शिखर धवन, जिनका 32.4 का इनका एवरेज है आरसीबी के अगेंस्ट, 22 मैचेस में 615 रन स्कोर किया है। मयंक अग्रवाल 25.9 का एवरेज है 10 मैचेस में। लिविंगस्टन जिनका 17 का एवरेज है। शाहरुख खान 2 मैचेस खेले हैं, 16 रन स्कोर किया है, 8 का एवरेज है, लेकिन ये स्टैट्स मैटर नहीं करते, काम इनका बड़ा है। अगर ये मैच में मिड में खेलने आते हैं 8वें 9वें ओवर के आसपास तो एक लंबी पारी खेलते हुए नजर आ सकते हैं और बड़ी बड़ी हिट भी लगाते हैं। जिस तरीके से मुंबई के लिए पोलार्ड काम करते हैं उस तरीके से पंजाब के लिए शाहरुख खान काम करते हुए नजर आ सकते हैं। इनके साथ एक और प्लेयर जुड़ा है वेस्ट इंडीज का, ओडन स्मिथ। ये प्लेयर भी काफी अच्छा है, पावर हिटर है। दोस्तों अगर ये 10 से 12 बॉले खेल जाता है तो आराम से 20 से 25 रन स्कोर कर सकता है। वहीं बात करते हैं रबाडा की तो 6 मैचेस में 13 विकेट निकाल कर दिए है। वहीं संदीप शर्मा ने 15 मैचेस में 23 विकेट निकाल कर दिए हैं। बात करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के प्लेयर्स के बारे में। विराट कोहली जिनका 29.6 का इनका एवरेज है। फाफ जिनका एवरेज काफी ज्यादा अच्छा है, 12 मैचेस में 614 रन स्कोर किया है अगेंस्ट पंजाब, 61.4 का इनका एवरेज है। दिनेश कार्तिक 32.2 का इनका एवरेज है। महिपाल लोमर जिन्होंने 2 मैचेस में 52 रन स्कोर किया है, 26 का इनका एवरेज है। बॉलिंग में बात करें हर्षल पटेल जिन्होंने 7 मैचेस में 6 विकेट निकाल कर दिए हैं पंजाब के, और मोहम्मद सिराज जिन्होंने 5 मैचेस में 2 विकेट निकाल कर दिए हैं। तो ये तो बात हो गई दोनों ही टीमों के प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के बारे में। आइए अब बात करते हैं हेड टू हेड बैटल के बारे में। तो आरसीबी के बैट्समैन वर्सेस पंजाब के बॉलर्स की बैटल की बात करें तो विराट कोहली वर्सेज रबाडा जिन्होंने 22 बॉलों पर 25 रन स्कोर किया है लेकिन 2 बार आउट रहे हैं।
वहीं बात करते हैं फाफ वर्सेस रबाड़ा, 28 बॉलों पे 31 रन स्कोर किया है, 3 बार आउट रहे हैं। विराट कोहली वर्सेस संदीप शर्मा की बात करी जाए तो 55 बॉलों पे 73 रन स्कोर किया है, 7 बार आउट रहे हैं। दिनेश कार्तिक वर्सेस रबाड़ा की बात करें तो 3 बार आउट हो चुके हैं 19 बॉलों पे और 14 रन स्कोर किया है। दिनेश कार्तिक वर्सेस राहुल की बात करी जाए तो 9 बॉलों पे 9 रन स्कोर किया और 2 बार आउट रहे हैं। अब बात करते हैं पंजाब के बैट्समैन वर्सेस आरसीबी के बॉलर्स के बारे में। मयंक अग्रवाल वर्सेस हर्षल पटेल 11 बॉलों पे 6 रन स्कोर किया है। धवन वर्सेस मोहम्मद सिराज 33 बॉलों पे 28 रन स्कोर किया और 1 बार आउट रहे हैं। लिविंगस्टन वर्सेस डेविड विली की बात करी जाए तो 26 बॉलों पे 52 रन स्कोर किया और 1 बार भी आउट नहीं रहे हैं। धवन वर्सेस डेविड विली की बात करी जाए तो मात्र 10 बॉले खेली है, 10 रन स्कोर किया है लेकिन 2 बार आउट भी हो चुके हैं धवन। अब दोस्तों बात करते हैं आप लोगों के लिए बेस्ट प्लेइंग 11 कौन सी हो सकती है। विकेटकीपर में आपके पास दिनेश कार्तिक काफी अच्छी पिक है। बैट्समैन में बात करें तो फाफ, शिखर धवन, विराट कोहली और शाहरुख खान। ऑलराउंडर में लिविंगस्टन, हसरंगा और ओडन स्मिथ। बॉलिंग अटैक की बात करें तो हर्षल पटेल, डेविड विली और संदीप। ये आप लोगों के लिए स्मॉल लीग के लिए सबसे अच्छी टीम साबित हो सकती है। अगर कोई प्लेयर इसमें से मिस होता है तो टॉस के बाद आप टीम में चेंजेस अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं किस टीम के जीतने के चांसेस ज्यादा है। कैलकुलेशन के बेसिस पे देखा जाए तो पंजाब थोड़ी आगे है, तो पंजाब के जीतने के चांसेस 52% है, आरसीबी के जीतने के चांसेस 48% है। टॉस इस मैच में आरसीबी जीत सकता है। फर्स्ट बैट का एक्सपेक्टेड स्कोर 159 के आसपास रह सकता है। अब दोस्तों इस वीडियो में आपके लिए एक स्पेशल क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि शिखर धवन और विराट कोहली में से कौन ज्यादा स्कोर करेगा और कितना स्कोर करेगा। जो भी सही बताएगा उन टॉप 10 मेंबर्स को कुछ प्राइज दिया जाएगा। बाकी अदर अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। बाकी आप हमारे कॉन्टैक्ट हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी कर सकते हो।